हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सरकार के बड़े फैसले के बाद पाकिस्तान की सरकार ही नहीं, वहां के लोग भी बौखलाए हुए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर अब पाकिस्तान के लोग भारतीय लोगों को टारगेट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों ने हाल ही में मशहूर सिंगर अदनान सामी को ट्रोल कर डाला है। वहीं पाकिस्तानी ट्रोलर्स ने जब उनके पिता को लेकर सवाल पूछे तो अदनान ने करारा जवाब देकर उनका मुंह बंद कर दिया। दरअसल अदनान सामी से ट्विटर पर एक यूजर ने पूछा कि उनके पिता कहां पैदा हुए थे और कहां मरे। इसके जवाब में अदनान सामी ने लिखा, मेरे पिता 1942 में भारत में पैदा हुए, 2009 में भारत में ही मरे, आगे बोलो। बता दें कि ये सवाल अदनान से जिस शख्स ने पूछा था उसका नाम मोहम्मद शफीक था। उसके ट्विटर अकाउंट में पता कराची का लिखा था। दरअसल पाकिस्तानियों को जब ये खबर मिली कि अदनान सामी भारत का स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं तो उन्हें मिर्ची लग गई। इस पर ट्वीट करके लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। बता दें कि अदनान सामी ब्रिटेन में पैदा हुए और पहले वो कनाडा की नागरिकता रखते थे। पाकिस्तानी मूल के अदनान सामी को 2016 में भारतीय नागरिकता मिली थी। जब से अदनान को भारतीय नागरिकता मिली है तभी से पाकिस्तानी ट्रोलर्स उन्हें निशाने पर लेते ही रहते हैं। वैसे कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के लोग इस तरह बौखला रहे हो। वहां के साथ जैसे वीना मलिक, माहिरा खान और आतिफ असलम भी काफी दिनों से मोदी के फैसले पर तिलमिला रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अदनान ने पाकिस्तानी ट्रोलों को जवाब देकर ठीक किया या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।